आज मजा करने वाले हैं। भाई लगाड़ी, भाई लगाड़ी। इसमें हमारे कुछ दोस्त मिल गए और इस बार चार्ली चैपलिन पहली बार आए, समझ नहीं हमारे रोड का तो कुछ दिख नहीं रहा, अगर यूट्यूब सुन लेगा तो कॉपीराइट लगा देगा। एक्साइटमेंट का ही वो आवाज था। Check the mic and make sure it sound right, boys. तो आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड में। मैं विपुल श्रीवास्तव का स्वागत करता हूं और आज हम लोग आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस पे, वो है बड़ौदा में जो है आजवा साइड में, वो है ये अतापी वंडरलैंड। और ये वाटर पार्क है, बहुत सारी इसमें वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। और आज हम लोग आए हैं अपने बहुत अच्छे दोस्तों के साथ। रुको रुको, आपको मेरे फ्रेंड से मिलवाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। आज हम लोग कोई हिस्टोरिकल प्लेस मॉन्यूमेंट को एक्सप्लोर करने नहीं आए, आज हम लोग फुल एंजॉय करने आए हैं यहाँ पे। इसका रीजन ये है क्योंकि रिसेंटली हम लोग अभी ग्रेजुएट हुए हैं और ये ग्रेजुएशन मेमोरेबल बनाने के लिए हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए अतापी में। तो चलो आपको अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। नियर स्टैंड दीव व्लॉग में भी थे ये, इधर कौटिल्य हाय बोलिए, ये बसंत, हमारे गोविंद जी, क्या पी रहे हो? थोड़ा कौन सा सब जानना है। हमारे ऋतिक। तो आज हम लोग ज़्यादातर हिस्टोरिकल प्लेसेस पर नहीं आए हैं, वाटर पार्क पे आए हैं और आपको मैं बताऊंगा यहाँ के इनसाइट्स कैसे होते हैं। अभी मैं समय की बात करूँ तो 11 बज रहे हैं और ये एंट्री भी 11 बजे ही स्टार्ट हो जाती है, अभी 11:30 हो रहा है। और ऐसा कुछ अतापी वंडरलैंड का ये दिखता है स्टार्टिंग में। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे दुकान हैं जो आपको खाने होने का सोडा वोडा सब मिल जाएगा यहाँ पर भी। ये एंट्री है, वहाँ से टिकट लेते हैं, टिकट बहुत सारे रेंजेस के हैं बट हम लोग 950 वाला लेंगे पर पर्सन का। और अभी हम लोग जल्दी से जाएंगे और जल्दी से टिकट लेते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हो आपको ऐसा पैम्पलेट यहाँ पर मिलेगा जिसमें इतनी सारी एक्टिविटीज़ है, आपको दिख रहा होगा। इसके प्राइजेस भी ऐसे हैं, इतने जोन्स हैं और ये पूरा उसका लेआउट है। अगर मैं अपनी बात करूँ, हम लोग की बात करूँ, तो हमको लगा यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट होगा, तो हम लोग इसी भरोसे से आए थे और हम लोग गए तो ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे कार्ड आप दे सकते हो या तो फिर आप कैश दे सकते हो। तो हमारा एक फ्रेंड था कौटिल्य, उसने कार्ड लाया था तो उसी से हम लोग अभी पेमेंट कर रहे हैं। तो कभी भी वाटर पार्क पर आओ या कभी भी कहीं पर भी जाओ तो डोंट डिपेंड ऑन वन थिंग, आप कार्ड लेके ज़रूर रहिएगा, कैश अगर नहीं ला सकते हो तो ऑनलाइन या तो कार्ड। आज मज़ा करने वाले हैं और ये जो मज़ा है ये आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो ऐसा टिकट मिलता है यहाँ पे, जो हाथ में ये बैंड लगाया जाता है इनको ऐसे, एकदम बढ़िया। और इन्होंने कार्ड लाए थे, आपकी बदौलत ही आज हम लोग घूम पा रहे हैं, नहीं तो ये व्लॉग इधर ही ख़त्म करना पड़ता, आज ये हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते। यहाँ की अभी स्थिति की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत क्राउड है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं, हमने ये बैंड लगा लिया है। और यहाँ गर्मी की बात करें तो बहुत ही गर्मी है, 45 डिग्री। और नीरज कैसा लग रहा है? पहली बार आए, पहली बार कैसा है अटापी द वंडरलैंड। वैसे एक बात बता दूँ कि आज हम लोग का कॉलेज का आखिरी दिन था, वी आर ग्रेजुएटेड नाउ, और इस आखिरी दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और देखते हैं कि आज कौन सी एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे। और आप देख सकते हैं जैसे कि आप विपुल मिलेगा चार्ली चैपलिन के साथ। ओरिजिनल चार्ली चैपलिन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे बहुत और गाना भी आप सुन सकते हो। देखो आप ऐसा जब आप इधर आओगे तो ये जो गाने बज रहे हैं अगर YouTube सुन लेगा तो कॉपीराइट लगा देगा, बट उससे हम लोग डरते नहीं है। Wait a minute. Who are you?
अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक आपको अलग ही एनवायरनमेंट यहाँ फील होता है। इंडिया जैसा लग नहीं रहा है, ये थोड़ा सा फॉरेन टाइप का भी लग रहा है और बहुत अच्छा इस अतापी को बनाया गया है। तो अभी तक हमें यहाँ के अच्छे वाइब्स आए हैं और जो आपने जो पीछे क्लिप्स देखे, जो वीडियो देखे उनके, उससे हमको बहुत हंसी भी आया और बहुत अच्छा भी लगा। इतने धूप में भी वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर उनका काम आपको अच्छा लगा तो। तो अभी हम लोग जैसा अपने फ्रेंड्स को पूछते हैं कि उनका भी कैसा एक्साइटमेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा। सबसे पहले हम कौटिल्य से पूछते हैं, कैसा आपको फील लग रहा है भाई? पहली बार आ रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। और नीरज, आपको डर लग रहा है? डर क्या, दो बार इमेजिंग जाके आए हुए, तो कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। रोहिन जी, आपको कैसा फील हो रहा है? पहली बार यार थीम पार्क वाटर पार्क ही गए अब तक तो। मतलब हम लोग ग्रेजुएट तो हो चुके हैं बट इस चीज के लिए बहुत लोग अभी भी फ्रेशर्स हैं। अरे बसंत भाई, ए सफेद कपड़ा, ओ आपको कैसा लग रहा है, एक्साइटमेंट लग रहा है कुछ? हाँ अभी देख रहे हैं, मतलब पूरा देख रहे हैं पहले किधर जाना है, फिर एनालाइज किया जा रहा है इधर। हाँ, तो समझ ही नहीं आ रहा, रोड पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ओए क्या कर रहा है, झुक के देख क्या है। तो हम लोग यहाँ अपने पहले राइड के लिए निकल चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने जो भी राइड किया है इसमें हमारे कुछ दोस्त मिल गए और ये लोग भी वीडियो के अंदर जरूर होंगे। और ये भी भैया थे, इन्होंने मोटिवेट किया हमको कि कैसे इसको फेस करते हैं। और थैंक यू आपको भी, वेलकम सर। तो हम लोग अभी सेकंड राइड के लिए तैयार हो चुके हैं। ये रहे हमारे फ्रेंड्स, मैं और विपुल सबसे आगे बैठे, सबसे आगे हम लोग बैठे। Oh, my God.
तो अभी जितने भी आपने राइड्स देखे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्रेजी राइड्स थे। अतापी में मोर देन 40 राइड्स है। एक दिन के अंदर ये सारे राइड्स करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि एक एक स्पेसिफिक राइड के अंदर बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो ज्यादा टाइम हमारा इसमें ही चला गया। इसके अलावा हमने छोटे मोटे राइड्स को छोड़ दिया और अब निकल पड़े हम लोग वाटर पार्क की तरफ। जैसा आप सामने देख सकते हो वाटर पार्क है। यहाँ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर एक्टिविटीज किया इंक्लूडिंग रेनबो डांस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस हुआ। अंदर रिकॉर्डिंग करना मना था इसलिए मैं ये सारा आपको नहीं दिखा सकता, बट इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, कभी भी अतापी के अंदर आते हो तो वाटर पार्क की एक्टिविटीज करिएगा, रेनबो डांस कीजिएगा और फुल मजा आता है वाटर पार्क के अंदर। तो अभी जितने भी आपने राइड्स देखे जो हमने किए वो बहुत इंटरेस्टिंग थे, हम लोग को मजा आ गया। और चलिए अपने दोस्तों से पूछते हैं कि क्या एक्सपीरियंस था उन लोग का, बताइए आप, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अकेले सड़क चला गया करने वो जो अभी आपने ऊपर राइड दिया, हम लोग 5 जन थे, एक हमारे नीरज दोस्त नहीं आए, उन्होंने कैमरा पकड़ा था। क्यों नहीं आए बताना, थोड़ा से डर गए थे वो थोड़ा सा और मेरा आवाज बैठ सकता है क्योंकि हमने बहुत चिल्लाया, बैठ गया है। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर, अभी बहुत हो गया मजाक, सियरी करता है सब, मालूम है सब। हमारा आवाज बैठ गया क्योंकि हम लोगों ने बहुत चिल्लाया वाटर पार्क में, जो इधर अभी एक्टिविटीज हमने की अंदर, एक्साइटमेंट का ही वो आवाज था तो उसकी वजह से बैठ गया। और एक दो परफॉर्मेंस भी हुआ था वहाँ पे जो हमने अभी देखा था, उसमें बहुत सारे डांसर्स भी थे, अलग अलग परफॉर्म किए थे। अभी जो आपने राइड का जो फुटेज देखा है वो हमारे नीरज भाई ने शूट किया है। हमारे सारे ऑडियंस का एक डाउट है कि आप राइड पे क्यों नहीं गए, बताइए। एक्चुअली मेरे लिए ये सब बच्चों से लग रहा है, मैं इमेजिका में 2 बार जाके आया तो मेरे को इसमें मजा नहीं आ रहा। एक बार एक्सपीरियंस को रख थोड़ा देना चाहिए, 2-3 बार और ट्राई करना चाहिए। पैसे तो आपने पे कर दिए, हाथ दिखाइए, हाथ का कलाई दिखाइए, पैसों का क्या है, पैसे तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं, एक और राइड बचा है, कौन सा राइड बचा है? गो कार्टिंग बची है अभी, गो कार्टिंग। हाँ तो गो कार्टिंग के लिए जा रहे हैं और देखते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? है ना आपके पास? हाँ भाई, आपके पास? जी नहीं है। आपके पास है ड्राइविंग लाइसेंस? आपके पास है ड्राइविंग लाइसेंस? और मेरे पास तो है। तो मैंने इनसे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में इसलिए पूछा था क्योंकि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तभी आप ये गाड़ी चला सकते हो। तो यहाँ पे मेरे, गोविंद और कौटिल्य के पास ड्राइविंग लाइसेंस था तो हम तीनों ने गाड़ी चलाया और बाकी लोग बाजू में बैठ के मजे लिए। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आपको गाड़ी चलाने को मिलेगा। तो आपने अभी जो देखा कार राइड में, गो कार्ट राइडिंग में, उसमें कैमरा अवेलेबल नहीं था, उन्होंने मना कर दिया, तो हमने बाहर से आपको नजारा दिखाया। अभी हम लोग चलते हैं, एक दो और चीजें बाकी हैं, उस मजा लेते हैं उसका भी। अच्छा ये बसंत के लिए? हाँ। क्यों बसंत के लिए? क्यों बच्चा बच्चा है, बच्चा है। वो लोग बोल रहे हैं आप बच्चे हो इसलिए आपके लिए लेने के लिए। चलिए अब एक्सपीरियंस पूछते हैं हमारे दोस्त का, क्या था, कैसा था? बसंत बताइए एक्सपीरियंस क्या था भाई? गाड़ी आ रही तो मरवाएगा। एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बढ़िया था भाई, पूरा दिन मौज हो गई। आपका सामान पकड़ा के रखा हुआ है मेरे को, सबने कंट्रीब्यूट करके सामान पकड़ा हुआ है। आप बताइए भाई, आज तो बहुत मज़ा आ गया और क्रेजी एक्सपीरियंस था आज का। आप लोग भी आइएगा एक बार कभी यहाँ पर एक बार तो जरूरी है, एक बार जरूरी है। ऋतिक बताइए, बाद में टिक्की खोल लीजिएगा, पहले एक्सपीरियंस बताइए हमारे ऑडियंस को। एक
एक्सपीरियंस ये कि अगर आप गुजरात में हैं तो फिर ये बेस्ट थीम पार्क और एडिशनल वाटर पार्क का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज मिल जाएगी, आपको डांस देखने को मिल जाएगा, मैजिशियन देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप की राइड्स है जो आपको गुजरात में कहीं और वाटर पार्क या थीम पार्क में नहीं है, जैसे कि गो कार्टिंग हो गया, बंजी जंपिंग हो गया, ज़िपलाइन हो गया, ये सब आपको अटावे में मिल जाएगा। ऋत्विक ने ही सजेस्ट किया था हमें ये प्लेस। कौन बचा? हमारे गोविंद जी। अरे क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है ये? अलग इनका क्रेज चल रहा है। देखिए बताइए। अरे अच्छा, आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस बताइए। बहुत थकावट भरा और बहुत पानी के लायक। और उसी का बिजनेस कर रहे हैं ये लोग अंदर। पानी बहुत महंगा, बिजनेस करते हैं अंदर। दिस इज बिजनेस। तो ये जो आपने देखा ये अतापी वंडरलैंड था और हमने आप तक ये पहुंचाया इसीलिए कि आप लोग भी कभी बड़ोदरा आते हो, गुजरात आते हो, तो आप भी ये चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो और मज़ा ले सकते हो अपने फैमिली और सबके साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही जो मेरे को जहाँ तक लगेगा कि आप लोग के साथ भी वो शेयर करने लायक है, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा। तब तक के लिए अभी तो हम लोग चलते हैं। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप कौन सी प्लेसेस देखना है वो भी आप बता सकते हो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और बोलिए भाई, बाय बोलिए। बाय बाय। बाय बाय, सी या। लाइट नहीं है यार, छोड़, कुछ बोल रहा हूँ मैं इधर, वो एक आर्ट नहीं है। गाना सुन। लाइट कहाँ गया? रशियन डांसर। बताइए, बताइए।